सबसे पहले तो विराट को मुबारक, इसकी पूरी फैमिली को, पूरे इंडिया को, कि ऐसा प्लेयर उनको मिला है। लेकिन देखिए उनकी तो ये लड़ी चलती हुई आ रही है, ग्रेट सनी भाई देख लें आप, उसके बाद आप देख ले सारों को गुली हमारी लाइफ के जो है, लक्ष्मण ड्रेवर्ट आप देख ले, सचिन आया, विराट कोहली या रोहित शर्मा, अभी आने वाले टाइम पे गिल आ जाएगा, के राहुल आ जाएगा, वो इस चीज़ से वो पीछे नहीं जाएंगे, वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन जो अचीवमेंट है उसकी अनबिलीवेबल, इतने कम टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई अचीव कर पाएगा, जो उसकी लगन जो उसकी मेहनत आज नजर आ रही है। आई अंडरस्टैंड मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो गई है, लेकिन सचिन तेंदुलकर टुक 463 इनिंग्स देखें और इन्होंने बहुत कम में किया, उनको 24-25 साल लगे हैं इतना रिकॉर्ड बनाने के लिए, उन्होंने बहुत टॉप बॉलिंग खेली। एग्जैक्टली, ये आजकल के जो क्रिकेटर है या ये भी या हम लोग भी, हां जी, वो उन्होंने बहुत टफ क्रिकेट खेली, उस टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और ऐसे जैसे आपने हमारी बात की है, बॉलर तो है हमारे, जैसे बासु भाई ने बताया हमारे भी चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें वो ब्रांड बनाना नहीं आया, उनकी इज्जत करनी नहीं आई। और अभी आप जैसे देख ले, अब गैप क्यों आया, इंजी भाई के बाद, यूनुस भाई के बाद जाने के बाद बाबर आया, कितने अरसे बाद आया, कोई 10-12 साल लगे हैं, क्योंकि हम लोग जरा शॉर्ट सोचना शुरू हो गए हैं, अपने ब्रांड को बनाना नहीं जानते। तो मेरे ख्याल से ब्रांड ये बनाना, इनको कहते हैं बनाना, हार्दिक जैसा खिलाड़ी जो दो खिलाड़ी की यूटिलिटी देता है। अब आप सोचिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ, हार्दिक पांड्या नहीं है लेकिन उसकी कमी महसूस नहीं हो रही। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, मतलब Too good to be true. मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, हम सब देख रहे हैं जो ये चमत्कार होते हुए देख रहे हैं, कोई इतने मैजिकल बना, वीडियो गेम बना दिया है काश, जब सामने वाले टीम को हम देखते हैं बैटिंग करते हैं। विराट रोहित दसियों साल से रन बना रहे, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं, हमने प्रेडिक्ट ये करा था इवेंट से पहले, विराट और रोहित जम के रन बनाएंगे, मना कर दिया। आप प्रीव्यू देखिएगा, पहले ही बता दिया था आपके टॉप तीन तो रन करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से केन ने करा है, श्रेयस ने करा है, जड्डू परफॉर्म कर रहा है, भाई मतलब क्या है यार, ये तो मतलब ये ड्रीम क्रिकेट है, इंडिया इज ऑन अ ड्रीम रन। आप सपने देखते हो ऐसे क्रिकेट के, सही बताऊं जी बिल्कुल, दिस इज नियर परफेक्ट क्रिकेट। मैं 2003 की ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखता था ऐसे, मैंने 80s की क्रिकेट देखी नहीं, सुना है पापा से कि वेस्ट इंडीज खेलती थी ब्रूटल, थ्रैश करती थी ओपोनेंट्स को, मौका नहीं देती थी। बट मैं फॉर्चुनेट हूं, मैं अपनी लाइफ में फ्लॉलेस इंडियन क्रिकेट देख रहा हूं, जहां 11 के 11 जीते हैं और ये टीम को हरा के जीते हैं भाई, और कैसे ही जीते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल। इस टीम में आप फॉल्ट नहीं निकाल सकते, आकर अंदाज में इस टीम में आपको इतनी सी भी कमी नजर नहीं आएगी, कमी नहीं। सर जडेजा तो उनको वैसे नहीं कहा जाता ना, वो तो वैसे ही पढ़ा लिखा आदमी, क्रिकेट का प्रोफेसर है वो। देखें आपका जो एक मिसिंग लिंक था वो था आपका बॉलिंग, बुमराह तो पहले ही बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो लेकिन अब शामी के आने से आपकी बॉलिंग का जो आउटलेट है, टेम्पलेट है, बिल्कुल चेंज हो गया। आई थिंक जडेजा, कुलदीप, अगेन ये तो एक रूथलेस बॉलिंग अटैक बनता जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि शामी को नए बॉल से बॉलिंग करानी चाहिए, मुझे ये लगता है कि नया बॉल उनको देना चाहिए, और बुमराह के साथ अगर वो ये कर रहे हैं पेस अटैक, तो नया बॉल आज उनको करना चाहिए था। सिराज बेहतर बॉलिंग कर लेंगे विद ओल्ड बॉल, वो कंफर्टेबल रहेंगे, जोर लगाएंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए। अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे, लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता, आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है, इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है, एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने ओडीआई क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये बहुत बड़ी बात है। माना कि एशियन कंडीशंस है, माना कि घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, सारे डिपार्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और ये एक इनर बिलीफ जो होता है ना, वो आपको आगे लेके चलता है, आप अपने आप को बैक करते हैं, और एक कामनेस जो क्रिएट किया है रोहित शर्मा ने एज अ लीडर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप ग्राउंडेड रहे, आप मैच जीत रहे हैं, आपका फोकस ऑफ ना हो, उसके अलावा हर सिचुएशन को उस दिन उसका मुकाबला करना है, और कोई चीज पर ग्रांटेड नहीं लेनी है। फॉर्म बड़ी जल्दी आती भी है और बड़ी जल्दी चली भी जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।